डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ में तिमारदारों से मारपीट प्रकरण में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने का विरोध करते हुए आज लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर सड़क पर उतर आए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का समर्थन करते हुए कॉलेज प्राचार्य ऑफिस के बाहर धरना दिया। चिकित्सकों ने आरोप लगाया कि बच्चे संग आए तिमारदार शराब के नशे में थे, जिन्हें इलाज के दौरान बाहर जाने के लिए कहा गया था, जिस पर यह प्रकरण हुआ। चिकित्सकों ने तिमारदारों से कोई मारपीट नहीं की, जो वीडियो वायरल हुआ है वह केवल बाहर निकालने के दौरान धक्का मुक्की का है। इस दौरान किसी को भी ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन चार जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ SC/ST जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के सामने भी उन्होंने न्याय की मांग करते हुए अपना पक्ष रखा। दरअसल 23 अक्टूबर की रात परीक्षितगढ़ निवासी अंकित के 5 वर्षीय बेटे कुणाल को लेकर परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। कुट्टी काटने की मशीन की चपेट में आने के कारण कुणाल की उंगलियों में गंभीर चोट आई थी। यहाँ ही आतापाई वे मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने डॉक्टर अभिषेक कुमार वर्मा, आदित्य यादव व अब्दुल मेनन को निलंबित कर दिया था। परिजनों ने मेडिकल थाने पहुंचकर चिकित्सकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें जाति सूचक संबंधित धारा भी शामिल है। इस मामले को विपक्ष द्वारा उठाए जाने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। आज रेजिडेंट जूनियर डॉक्टरों ने प्राचार्य ऑफिस के बाहर पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। देखिए। इस बारे में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चिकित्सक ने यह जानकारी दी। अभी 23 में हमारे क्या हुआ, कुछ रेजिडेंट काम कर रहे थे ऑर्थो डिपार्टमेंट के, और वो प्रॉपर अपने यूनिट में थे, और JR1 JR2 JR3 तीन लोग होते हैं इसमें, और उसमें जो JR3 है वो काम कर रहा था उस टाइम। और उस पेशेंट जब आया तो उसके पेशेंट की 3 फिंगर्स कटी हुई थी, उसने पट्टी वट्टी करवा रखी थी पहले से ही। अब जो हमारा क्या हुआ, हमारे डॉक्टर को देखना था वो, तो उसके टाइम पट्टी हटानी पड़ी, तो पेशेंट रो रहा था तो जो हमारे अटेंडेंट थे ना, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है कि फोटो खींच के उसका चोट का ऊपर भी डलता है, ऊपर के सीनियर्स भी देखते हैं, बट JR3 अपने आप में इतना सक्षम है वो उस चीज़ का इलाज करने लायक था। तो बट पेशेंट के अटेंड दारू पी हुए थे 2 लोग, उन्होंने उसके हाथ से फ़ोन छीना, फ़ोन फेंका और उसके लात मारी और कहा कि तू अपने सीनियर को बुला के ला। अब किसी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो अपनी बचाव के लिए कुछ तो करेगा। उसने सोचा मैं इसका इलाज तो कर रहा हूँ अभी, तो उसके एक दो साथी और थे, उन्होंने कहा ये दारू पिए बंदा इसको बाहर कर दो। उस वीडियो वायरल में यही है, ये दोनों खींच के लेके जा रहे थे, उस अटेंडेंट को बाहर निकाला गया। उसमें मारपीट कहीं नहीं करी गई है वीडियो में कहीं भी, बट उसको धक्का देके बाहर निकाला गया है। उसके बाद इन लोगों ने उस वीडियो वायरल के नाम पर FIR कर दी है। FIR में SC/ST एक्ट भी लगा दिया है। जो इलाज कर रहा था उस टाइम, जिसका फ़ोन फेंका गया था, जिसको मारा गया था रेजिडेंट को, वो खुद उसी SC समाज से है, तो SC/ST एक्ट बेवजह इस पर लगवाया जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं। जस्टिस पे आप बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं और क्या आप चाहते हैं? हमारी मांगे हैं जो हमारी उस पर, हमारे लड़कों पर, हमारे जो रेजिडेंट है उन पर जो FIR हुई है वो वापस ले ली जाए। उसमें SC/ST एक्ट का कोई मतलब नहीं है, वो ले लिया जाए। किसी का हम नाम पूछते हैं यहाँ पर, एज पूछते हैं, उम्र पूछ लिए बस, और कुछ नहीं पूछते। उसमें रहने वाले कहाँ के, और पुलिस स्टेशन पूछा जाता है मैक्सिमम फाइल में, किसी से किसी की कास्ट नहीं पूछी जाती, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। और हमारी मांगे यही हैं कि उन पे से FIR हटा दी जाए, और सस्पेंशन है जो हमारे बच्चों का वो हटा दिया जाए, और हमें एक गार्ड दिया जाए। अगर हमारे पास गार्ड होंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी हमें खुद से हटाने की उन लोगों को वहाँ से। अगर हमारे पास प्रॉपर गार्ड होते, गार्ड हमारे पास ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उन्हें हमें खुद नहीं पता होता कौन सा गार्ड है इनमें से, तो वहाँ पे उस टाइम गार्ड होता तो गार्ड का काम था जो हमारे रेजिडेंट ने कराएगा। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नज़र। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।